फुल जॉनसन और आज हम बात करेंगे लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत ही दिलचस्प बातों पर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। कि हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि यार जब हम दिन भर दिन बढ़ता जाता है तो हमें लगता है कि सब चीज़ एकदम बिल्कुल सेम हो रहा है जैसे रोज हो रहा था, और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो तब ऐसा लगता है कि यार नहीं, सब चीज़ बहुत अलग था। जब मैं पीछे से अभी तक अभी आगे देखता आ रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सब चीज़ बहुत अलग था, लेकिन जब हम दिन जी रहे होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार सब चीज़ वैसा ही हो रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं जॉब को, जॉब एक बहुत ही अच्छा आदमी था, उसका सब कुछ था, लेकिन सैटर्न ने उसकी परीक्षा ली और उसके हाथ से सब छीन लिया, और तब उसको डाउट हुआ गॉड पर। उसने डाउट किया कि गॉड ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन बाद में जब उसने फेथ बरकरार रखा, गॉड पर विश्वास रखा, तो लास्ट में हम जानते हैं कि गॉड जो जो सैटर्न ने उसे छीना था उसका दुगना गॉड ने उसको दिया। और वही बात पहला जॉब नहीं है जो गॉड पर डाउट कर रहा है। जब हम देखते आते हैं बाइबल से स्टार्टिंग से, हर एक स्टोरी में हमें एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो गॉड पर डाउट करता है। जैसे कि अब्राहम को ले लो, अब्राहम बूढ़ा हो चुका था लेकिन गॉड ने उसे प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक यू अ फादर ऑफ अ ग्रेट नेशन। यहाँ तो उसका कोई बच्चा ही नहीं था, वो तो बूढ़ा हो चुका था। अब्राहम को हुआ डाउट गॉड पर कि मैं क्या ऐसा हो पाएगा, मतलब क्या ऐसा रियली हो सकता है। लेकिन उसको डाउट भी था लेकिन उसने फेथ भी बरकरार रखा कि उसने सोचा नहीं ऐसा होगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई है वो इतना सामर्थ्य है कि वो कोई सभी काम कर सके। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि जर्माया 32:27 में लिखा है कि फॉर आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी। जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब पृथ्वी सब कुछ बनाया, क्या उसके लिए कोई चीज हार्ड हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम भी कभी कभार गॉड पर डाउट करते हैं। इवेंचुअली हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूमन नेचर है कि हमारा डाउट गॉड पर चले जाता है। कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है, गॉड आर यू लिसनिंग टू माई प्रेयर, क्या मतलब तू मेरे प्रार्थना को सुन रहा है, या क्या तू मेरी चीज़ों को समझ रहा है, क्या कुछ एक्चुअली तू मेरी तरफ देख भी रहा है कि नहीं। लेकिन ओरिजिनैलिटी यह है कि गॉड आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको हर एक चीज़ जानता है और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका मेन पर्पस और रीज़न ये है क्योंकि गॉड आपसे बहुत प्यार करता है। दूसरी बात ये कर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि गॉड हैज़ द पावर टू चेंज। हम नहीं जानते, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं वो समझ लो यहाँ पे एक दीवार है और इस दीवार के पीछे की चीज़ें ही बस मुझे दिख रहा है, उसके आगे जो है वो मुझे कभी दिख ही नहीं सकता। उसी तरीके से हम अपने लाइफ को भी देखते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ मेरे लाइफ में ऐसा हो गया और शायद गॉड अब मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा, शायद वो मेरे प्रेयर्स को सुन ही नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है? क्योंकि गॉड उन सब के बिहाइंड द सीन से जा चुका है और वो उनके आउटकम्स और उनके रिजल्ट्स को जानता है। इसीलिए वो आपके लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रखता है जो शायद कहने के लिए आपको कठिन लगती है। दूसरी बात, हम गॉड पर डाउट करते हैं और उसके बाद हम ये चीज भूल जाते हैं कि जिस गॉड पर हम डाउट कर रहे हैं वो गॉड कुछ भी कर सकता है। लाइक गॉड हैज द पावर टू चेंज लाइफ, जैसे कि पॉल दमस्कस की रोड पर जा रहा था और वो क्या करता था, लोगों को परसिक्यूट करता था। जो लोग मसीह में है, जो लोग गॉस्पल सुनाते हैं उनको वो परसिक्यूट किया करता था, चेले उससे डरकर भागते थे। और वहीं पौलुस जब भाग रहा था उन चेलों को पकड़ने, तो दमस्कस की रोड पर जब वो जा रहा था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, समथिंग विच शॉक्ड हिम, मतलब उसके बाद पौलुस एक कम्प्लीटली बदलता हुआ चरित्र हम देखते हैं। उसके बाद जैसे जब उसका इनकाउंटर हुआ गॉड के साथ, उसके बाद उसने क्या किया, पौलुस चेंज्ड, मतलब उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल स्टार्टेड प्रीचिंग द गॉस्पल। पहले वो उनके अगेंस्ट हुआ करता था और आज देखो परमेश्वर ने उसको बदल दिया। कुछ इसी तरीके से होता है लाइफ, क्योंकि जब हम बाइबल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि गॉड जो है बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों में कैसे कन्वर्ट करता है। जो मैस होता है उसको गॉड हटा देता है, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड गॉड। द मोर बिगर योर प्रॉब्लम्स इज द मोर बिगर योर द मिरेकल्स विल बी। तो
सीधी बात है कि गॉड हैज द पावर टू चेंज एंड व्हेन वी आर विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। वही पॉलुस भी कहता है, आप देख सकते हैं जब पॉलुस पहले परसिक्यूट किया करता था, बाद में जब पॉलुस कुरिन्थियंस और एफिशियंस और सब जब वो आगे की किताबें लिखता है, जब वो उस कलीसियाओं को पत्र लिखता है, तो कहीं कहीं चीजें इतनी मिस्टीरियस लिख देता है जिसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि गॉड कैन हैव पावर टू चेंज, क्योंकि ही हैज द पावर टू चेंज और वो किसी को भी बदल सकता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक पुट आवर फेथ ऑन गॉड, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉड के अलावा कोई और हमें नहीं बचा सकता और उसके जैसा कोई और हमें प्यार कर भी नहीं सकता। तो द सीधा और स्ट्रेट मीनिंग यही है कि हमें अपना विश्वास गॉड पर रखना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो अब हम सीखते हैं कि भाई गॉड क्या क्या कर सकता है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस को कभी भी बदल सकता है। ही इज वॉट वी हैवंट थॉट ऑफ, क्योंकि वो चीज़ कभी हमारे दिमाग में आई नहीं, वो हमारे जहन में कभी आई नहीं। जैसे कि जर्माया 32:27 में लिखा है और साथ ही लूक 1:37 में लिखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। वो गॉड है, इसलिए वो गॉड है क्योंकि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है पल भर में। तो मैं बस इस छोटे से मैसेज से आपको ये बताना चाह रहा था कि लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आए तो तब हमें डरना नहीं चाहिए, तब हमें गॉड पर डाउट करना भी नहीं चाहिए कि गॉड क्या तू एक्चुअली मेरे प्रेयर सुन रहा है, या क्या तू एक्चुअली मुझे पसंद करता है, या तू एक्चुअली मुझसे प्यार करता है, फिर क्यों मेरे लाइफ में सब कुछ है। तब हमें ये यकीन करना है कि गॉड कैन चेंज द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि ही हैज पावर टू चेंज। बस मेरे इस छोटे से वीडियो का मकसद ये था कि आप सब लोग ये समझे कि गॉड हैज द पावर टू चेंज। फिर मिलते हैं नए वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।